अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर रोज जो है हमने एक नई एपिसोड आप सब तक लेके आनी होती है, और पहले रमजान से लेके अभी तक जो है आप लोग काफी सीख भी गए होंगे, और ये जो सीखने सिखाने का जितना भी अमल है इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सारा क्रेडिट जो है और ये सारा सिखाना सर आपका होता है। शबका साहब हमारे साथ है एवरी डे, आपकी ये जरा नवाजी है, आप जितना भी क्रेडिट है मुझे देते हैं, लेकिन नहीं, असल में बेसिकली जो मेन जो पीछे सब कुछ करने वाले हैं, जो स्ट्रगल करने वाले हैं, वो मुसद्दक भाई हैं। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। रमजान माशाल्लाह अभी तो मौसम भी जो है बड़ा वो हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है बड़े अच्छे से गुजरा होगा आपका भी सर। डेफिनेटली अभी थोड़ी सी ये है कि गर्मी होगी जी, गर्मी बिल्कुल। हाँ जी, और सर जब हमारा रमजान शुरू हुआ था बारिशें बड़ी अच्छी थी। हाँ जी, तो ये चलता रहता है साथ साथ। सर आज कौन सी ऐसी डिश है जो सारे जो है वो सीखेंगे आपकी तरफ से? आज मैं अपने व्यूज के लिए एक थोड़ी सी हटके डिश लेके आया हूँ। नॉर्मली हम लोग चिकन पकौड़ा बनाते हैं जी, बिल्कुल वेजिटेबल पकौड़ा बनाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, घरों में आलू के कतरे बना लेते हैं। हाँ जी, आज मैं अपने व्यूज के लिए एक थोड़ी सी हटके डिश लेके आया हूँ, जिसका नाम है ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड को हम लोग एज एन पकौड़े में हम लोग यूज करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, आप इसको एंजॉय करेंगे। हम लोग चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। लेजी, थैंक यू सो मच अहिमान, और इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ब्रेड पकौड़ा है कैसे बनता है। आज क्योंकि हम लोग बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, तो ब्रेड पकौड़े के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ब्रेड स्लाइसेस, जो कि मैरिड ब्रेड के मैंने लिए हैं, इजीली अवेलेबल है बाजार में से। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो कि बेसिक पकौड़ा बनाने की जो मेन चीजें होती है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसमें ब्रेड यूज करें जी, बट जो उसका अरोमा बनाने के लिए जो चीज यूज होती है वो है बेसन। बेसन चाहिए, बेसन हमें चाहिए जी। इसके बाद हमें चाहिए फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर है, इसे भी इजीली अवेलेबल है, मैदा इसको कहते हैं। सही है। इसके अलावा हमें चाहिए रेड चिली जी, सॉल्ट जी, कोरिएंडर ड्राई, ड्राई कोरिएंडर, सूखा धनिया, ठीक है, इसको मैंने दड़ा किया, दड़ा मतलब उसको मैंने क्रश किया हुआ है, क्रश किया हुआ है, ठीक है। ग्रीन कोरिएंडर जो कि इसमें यूज होगा, वेजिटेबल के अंदर हमारे पास है ऑनियन जो हमने चॉप किया हुआ है जी, पोटैटोज जो हमने छोटे साइज में मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा चॉप किया हुआ, ठीक है, और इसको हमने लंबे कतले नहीं काटने क्योंकि हम लोग ब्रेड के ऊपर जब इसको चढ़ाएंगे इसको तो वो बहुत आउट शेप दे देगा, इसलिए हमने इसको छोटे जो है वो थोड़ा सा छोटे डाइस उसको कह ले, या थोड़ा सा मोटा चॉप उसको किया हुआ, चॉप किया हुआ है। और साथ में हमें चाहिए होगी ग्रीन चिलीज, और इसमें हम लोग डालेंगे जी। अभी हम चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। मेकिंग की तरफ, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे हमारे आज के इंग्रेडिएंट, और ये ब्रेड पकोड़ा जो है मैरिड ब्रेड ने पहले भी हमारे साथ काफी जो है डिशेस में स्पॉन्सर भी किया है, तो आज की ये डिश जो है वो मैरिड ब्रेड के साथ कैसे बनेगी आइए देखते हैं। ले सर शुरू करते हैं और वन बाई वन जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्रेड है जी, मैरिड ब्रेड जो है हमारे पास, ये पीसेस वो ले लेने जी, इसके जो साइड्स हैं, एजेस जो हैं इसके, एजेस जो हैं इसके, ठीक काट देने, एजेस जो है वो इसके काट देने जी, ठीक है जी। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, आप इसको चाहे तो स्क्वायर में काट लें, रेक्टेंगल में काट लें, राउंड में काट लें, राउंड में काट लें जी। शेप इज डिपेंड ऑन यू, आप जैसी इसको जो आप शेप चाहते हैं, जैसा आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं वैसा आप उसको काट सकते हैं ब्रेड को, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसके पीसेस बाकी भी एंड हेवी है। सबसे पहले हमने ब्रेड को लिया और ब्रेड के जो एजेस थे वो काट के उसकी एक शेप जो है सर वो आपने बना दिया। और कोशिश करें थोड़ा सा मतलब अगर आज ब्रेड बनी है जी, फ्रेश ब्रेड बनी है उसको ना लें, थोड़ा सा एक दिन की जो ब्रेड पड़ी है आपके पास, अच्छा उसको यूज करें सर, ठीक। और नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट है बनाते हैं जी, सबसे पहले से बेसन है हमारे पास, बेसन आप ऐड कर रहे हैं, हमने 1 कप ऑफ बेसन लिया इसमें, ठीक है सर, 1 कप बेसन जो है वो आपने ऐड कर दिया। उसके बाद सर तकरीबन 1.25 कप हमने जी इसमें फ्लोर यूज करना है, फ्लोर मैदा यूज, मैदा ठीक है, ऑल पर्पस जो फ्लोर है हमारे पास वो हमने ऐड कर यूज करेंगे, ठीक है। And the next thing we have, sir, आप इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 teaspoon of जी red chili, red chili, ठीक हो गया, वो आपने ऐड कर दिया।
उसके बाद जो है सॉल्ट आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, उसके बाद ड्राई कोरिएंडर है सर, ड्राई कोरिएंडर है जिसे आपने सर वो जी बिल्कुल, ये 1 teaspoon हमने यूज किया इसमें, ठीक है, and the next thing we have the coriander, green coriander, green coriander aap add, ye takriban aapne 20 leaves jo hain wo lene hain aur usko aapne thoda sa mota rakh ke usko kaat lena, theek ho gaya, and the next 1 teaspoon of one and half kar le ji humne green chillies, green chillies takriban 5 to 6 green chillies jo normal size ki hain ji wo add kar chop kiya to wo humne isme add on kar rahe hain, theek hai, uske baad onion hai hamare paas ji नॉर्मल साइज, छोटे से नॉर्मल साइज का, मतलब बहुत बड़ा नहीं लेना, ठीक है, छोटा सा साइज का नॉर्मल साइज जो ऑनियन है, ऑनियन है वो ऐड तो हमने चॉप किया है जी, हाफ पोटैटो है हमारे पास जी, उसके बाद पोटैटो जो है वो आपने ऐड कर, ऐड ऑन कर ली, अब हम सर मेरे ख्याल में इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ, ये सारे जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वन बाय वन इसमें ऐड किए और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा स्पाइसेस को मज़ीद कर रहे हैं तो आप इसमें क्रश चिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप अपनी जो रेड चिली की मकदार है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप अगर नॉर्मल या व्हाटएवर यू लाइक आप उस हिसाब से जो है इसको, मेरे ख्याल में सर अभी ये वो वाला वक्त है जब हम वो बेसन बनाते हैं जी, बिल्कुल, जो बैटर जी, वो जो बैटर बना रहे हैं अपने ब्रेड को लगाना है जी, बैटर बनाते वक्त पानी के मैयर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बाज़ अवकात जो मैदे होते हैं, मैदा हमने लिया या बेसन लिया, बाज़ अवकात थोड़ा सा वेट होता है, ये ऑलरेडी पानी सोख ठीक होता है, तो जब हम लोग इसको मैयर से बताते हैं तो ऐसा होता है कि वो जो है पानी उठा नहीं पाता, तो पतला हो जाता, पतला हो जाता, तो हमने इसको बेसिकली स्मूथी सा एक टेक्सचर जो है वो लाना है इसमें, वो लाना, ताकि ब्रेड के ऊपर जो ये जो हम लोग बैटर बना रहे हैं ये ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाए, चढ़ जाए, ठीक ठीक, ये आपने भी अपने मौके के मुनासिबत के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है कि भाई इसमें ऐड करना चाहिए उस हिसाब से, जैसे देखिए अभी शफका साहब कर रहे हैं सेम इसी तरह से आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, और एक ही दफा से सर मेरे ख्याल में हमने पानी ही सारा ऐड करना है, वक्तन फवक्तन थोड़ा थोड़ा जो है वो साथ साथ उसको मिक्स करते रहना है, मेरे ख्याल में सर हमारा बैटर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, रेडी हो गया जी, अभी हम लोग इसमें इसको ब्रेड के साथ कोट करेंगे और इसको फ्राई करते हैं, फ्राई कर लेंगे, ले जी हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने ये करना है बड़ा जी, इससे ज्यादा इसको थिन नहीं करना, ठीक, और इससे ज्यादा ये थिक नहीं, थिक नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक, जैसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास ऑयल बिल्कुल मेरे ख्याल में गर्म हो चुका है और ब्रेड है हमारे पास जो कि हमने मैरिड ब्रेड ऑलरेडी लिया है यहाँ पे, आज के हमारे इस एपिसोड का स्पॉन्सर भी है, मैं सर ये देखना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो ब्रेड के ऊपर इसको कैसे जो है वो स्प्रेड करेंगे, मतलब ऑयल हमारा माशाल्लाह से ठीक गर्म है, ठीक है, क्या टेम्परेचर होगा सर आज के हमारे इस ऑयल का, इस ऑयल का 140, 140 पकौड़े आप जैसे नॉर्मली जो घर में हम लोग पकौड़े बनाते हैं ठीक ठीक वैसे हमने इसको पकड़ने, एंड हेवी है, अब इसको ऐड करेंगे दोनों साइड से, अच्छा जी ठीक ठीक, क्या बात है सर आज एक पकोड़ों की नई जो है ना वो डिश वाज रेडी हो चुकी है, पकोड़े हमारे अफतारी में बड़े यूज होते हैं लेकिन ब्रेड पकोड़ा जो है आप लोग इजीली रेडी कर सकते हैं अपने पास जो है, ऐसे भी है क्या बात है सर, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ सर कि आज इनकी शेप कैसे निकलेगी, माशाल्लाह से बड़े प्यारे निकलेंगे, हमारे आज के जो ब्रेड पकौड़ा है वो रेडी हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पे फ्राई भी हो रहा है और बाकी किसी तरह से हम लोग और ऐड कर लेते हैं, इसके ऊपर हमने ब्रेड के ऊपर जी मिक्सर है जी इसको पूरी तरह से इसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है,
ज्यादा मोटा इसमें हमने नहीं डालना, वो इसलिए क्योंकि जब अगर हम लोग इसमें जो है बैटर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा थिक हो जाएगा जी, तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो फ्राई में अपनी थिकनेस शो करेगा। ठीक ठीक, इसीलिए आपने इसको दरमियाना सा, मतलब सर ना ज्यादा थिन करना है ना ज्यादा थिक करना है। बिल्कुल सर। ठीक हो गया सर, और हमारे आज के ब्रेड पकोड़ा जो है वो रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल टेम्परेचर है हमारा इस वक्त, ठीक है, इससे ज्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होने देना, क्योंकि अगर हम लोग इससे ज्यादा चीजों में फ्राई करते हुए इसका टेम्परेचर करेंगे जी, तो चीजें जो है वो जलना शुरू हो जाएंगी, अंदर से पकेंगी नहीं जी। फ्राइड के अंदर जो टेम्परेचर है दैट शुड बी 140 और 150 जी, नॉर्मली यही होता है हमारा टेम्परेचर, इससे ही होता है कि आपकी जो भी आप चीज फ्राई कर रहे हो वो बैटर आपका उतरेगा नहीं और आपका जो डिश है वो पूरी तरह से पक जाएगी। और वैसे भी सर इसमें तो ब्रेड है और ब्रेड वैसे ही ऑलरेडी हल्की सी सॉफ्ट होती है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था शफका साहब ने, वो ये बताया था कि ब्रेड को आप अगर एक दिन बाद वाली यूज करें, घर में होती है नॉर्मली, और सर उसका भी मेरे ख्याल में यही मकसद है ताकि वो जरा जान में आ जाए, क्योंकि जो आप लोग ताजी ब्रेड लेके आते हैं वो बड़ी सॉफ्ट होती है। मेरे ख्याल में ये बन चुके हैं, अभी रेडी हो चुके हैं, बड़ा जबरदस्त कलर आ चुका है सर इनका, और मेरे ख्याल में जितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना सर, ये उतने ही जबरदस्त होंगे टेस्ट में। एंड हियर वी हैव ब्रेड पकोड़ा, अनदर डिश फ्रॉम इजी पकाना, और शफका साहब ने आज आपको ब्रेड के साथ कैसे जबरदस्त पकौड़े बनाए जाते हैं वो सिखा दिए आपको। एंड हियर वी हैव, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज का ब्रेड पकोड़ा जो है हमारे पास बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये जो एपिसोड है इसको मेरिट ब्रेड ने स्पॉन्सर किया, आप ही अपने पास से जो है वो मेरिट ब्रेड को परचेज करने के बाद इजीली ब्रेड पकोड़ा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।